मातृछाया चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा मातृछाया की संवाशिनी रूबीना को उनके पति को सुपुर्द किया गया। इस मौके पर मौजूद जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य ने संवाशिनी को उपहार देकर विदा किया। गौरतलब है कि रूबीना 10 मार्च को सहजनवा थाने द्वारा मातृछाया में आवासित कराई गई थी। रूबीना के साथ उनके 2 बच्चे भी थे, जिन्हें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया गया था। बच्चे मऊ जनपद में एक आश्रय गृह में आवासित थे, जिन्हें चाइल्ड लाइन के द्वारा मऊ से लाया गया और उनको उनके माता पिता को सुपुर्द किया गया। रूबीना के पति ने बताया कि रूबीना मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में लगभग 7 महीने पहले घर से बच्चों के साथ घर से निकल गई थी। बहुत खोजने के बाद भी मिली नहीं। बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए और चिंता हो रही थी। बच्चों और माँ दोनों को सुरक्षित और स्वस्थ पाकर उनके पति बहुत खुश हैं। कार्यक्रम में फाउंडेशन के आलोक मणि त्रिपाठी, प्रियेश मालवीय, शुभी पांडे, संतोष मौर्य, अन्नू वर्मा मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य ने कहा, यह एक मानसिक विषक्त महिला थी जिसका जो 10 मार्च को मातृछाया चैरिटेबल फाउंडेशन में लाई गई थी और यह पूर्णतः सही हो गई है, तो इसे यहाँ से निष्कासित किया जा रहा है। इसके जो होम टाउन है वो बिजनौर की रहने वाली है और इसका मातृछाया चैरिटेबल फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा, जो कि डीएम साहब द्वारा संचालन इसका डीएम साहब द्वारा है। यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगा सर आपको? प्रोग्राम वही है, मेरा पहला अनुभव था, तो जैसा देखने को मिला कि 20 से 25 महिलाएं यहाँ पे उनको मातृछाया चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आश्रय दिया गया है और उनका देखभाल पूरी तन्मयता से किया जा रहा है। और यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? व्यवस्था मूलतः अभी देखने में सही लगी है और उम्मीद है इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे ये लोग। और बाकी मैं और जितने भी जो इच्छुक हैं लोग, उनको वॉलंटियर के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूँगा और जो भी समाज के बड़े तबके के लोग हैं उनको चाहिए कि ऐसे उसमें काम में अपना योगदान दें।